गाइस एलोवेरा केयर करने के बाद मैं आ गया हूँ अब जिनेश्वर ज्योतिलिंग 12 ज्योतिलिंग पे। ये देखिए पीछे मोबाइल के लिए लॉकर है, लॉकर में रखना पड़ेगा आपको। चप्पल यहाँ पे अभी एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं है, फोन अलाउड नहीं है, तो मुझे वो लॉकर रूम रखना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए जनाब। हम लोग गए थे एलोरा केव में, हरीश और मैं साथ में थे और हमको मिली 3 देवियाँ। बहुत ही मज़ा आया साथ में उनसे मिलके, काफ़ी घूमे फिरे हम लोग और हमने साथ में केव को एक्सप्लोर किया, ब्लॉग भी बनाया हमने एक तो, और काफ़ी फ़ोटोज़ भी हमने ली। और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग मिलाऊँ उनसे, मेरी म्यूचुअल बात हो चुकी है, तो दे आर कंफर्टेबल टू कम ऑन कैमरा। सो फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस टू मिस देवयानी रॉय। हाय, तो क्या बोलूँ मैं अपने बारे में, कुछ बताइए अपने बारे में आप जो आप। ओके, ये मेरा लाइफ का पहला सोलो ट्रिप है और मैं यहाँ पे 2-3 साल से आना चाहती थी, बट केव्स में आने के लिए कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। सो आई जस्ट पैक माई बैग्स और 2 घंटे पहले मैंने बस बुक किया, होटल बुक किया और मैं आ गई बिना कुछ सोचे। और यहाँ पे आके मुझे इतने ब्यूटीफुल और इतने अमेजिंग स्ट्रेंजर्स मिले जो आप जस्ट मेड माई जर्नी कम्प्लीट। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। एंड नाउ हेलो, हाय, आई एम विशाखा राय फ्रॉम औरंगाबाद। और क्या बोलना था यार, और बताइए अपने बारे में आप क्या हैं, क्या चल रहा है जी। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, साथ में मैं लिरिक्स राइटिंग भी करती हूँ, मैंने गाना भी लिखा है। आप सभी जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कर सकते हैं फिरंगी कहता है। यस गाइस, मैं ठीक है डाल दूंगा ठीक है बॉक्स में इनका लिंक वगैरह, तो आप प्लीज़ ठीक है चेकआउट कीजिएगा। एंड समथिंग एल्स, हम लोग सब लोग प्रॉपर शुभ भक्त मिल गए हैं और आज हम लोगों सब लोगों ने एक हमारा जो मैंने साथ में कैरी किया था एक्चुअली शंख, राहुल ने भी उसे बहुत अच्छा बजाया है और साथ में देवयानी ने भी। आप एक बार सुन सकते हैं कि शंख किस तरह बजाया जाता है। यस गाइस, ये शंख मुझे मिला है और रियली काफ़ी मज़ा आया उसको बजाने में और मेरे साथ इन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया शंख को। और नाउ जस्ट टू मिस, हाय, आई एम प्रेरणा चाबुक जिलवाद फ्रॉम औरंगाबाद। बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड प्लस HR एंड मुझे देवयानी, राहुल, हरीश इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे दोस्तों से एज अ स्ट्रेंजर है अभी फिलहाल, फिर बाद में और बढ़ेंगी। थैंक यू, इट वॉज अ नाइस जर्नी। यस यस, तो रियली अभी और भी प्लान्स बनेंगे, तो मे बी बहुत से चिल आउट, बहुत से हैंग आउट्स हम लोग करने वाले हैं, ऐसा अब तक है प्लान। कब होंगे, क्या होंगे, आई डोंट नो, वी डोंट नो कब हम लोग ऐसा करने वाले हैं प्लान्स, बट फॉर्चुनेटली जल्दी होंगे, जैसे होंगे और हम अब तक पहुँचाएंगे इस ब्लॉग के थ्रू, नेक्स्ट ब्लॉग के थ्रू जब भी शूट करेंगे। और मुझे बोलूँगा कि काफ़ी मिलके मज़ा आया, हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हमको इतने यहाँ पे रुकना नहीं था, बट हम लोग बाद में घनेश्वर टेम्पल है वहाँ भी गए, वहाँ भी इंजॉय किया। और क्या बोलूँ, बस कितनी करूँ तारीफ में, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और अब भी हमको निकलना है, अब हम ये आई थिंक ये ब्लॉग के हम लोग लास्ट स्टॉप पे आ गए हैं, 12-13 दिन हो गए हमको जर्नी करते हुए, 2 डेज 13 डे एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे। सो अभी हमको ड्राइव करना अराउंड 700 और वो हम करने वाले हैं, अभी शुरू करेंगे, अभी जितना हुआ कवर 200-300 जितना कर सकते हैं करेंगे और फिर लॉज लेंगे, रुकेंगे और टुमारो इवनिंग वी विल रीच अहमदाबाद। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you.
एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग हमको मिले हैं, हमने बहुत एंजॉय किया है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं 31 रात को 11:30 बजे तक ऑफिस का काम पूरा लॉकडाउन, मुझे नहीं पता कि मैं कंप्यूटर टाइम गया, इतना ज़्यादा वर्क स्ट्रेस था। और मैंने जिस दिन मैं निकली हूँ मतलब यस्टरडे, 2 घंटे के टाइम में मैंने डिसाइड किया कि मुझे आ रहा है बिना कुछ सोचे बिना, कि मेरा पहला सोलो ट्रिप था जो आई और आते संग तुम मुझे मिले, तुम मुझे मिले और फिर तुम दोनों मुझे मिले, विच इज लाइक बोलते ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी चल रही है। हम मिलना भी कैसा हुआ शिव मंदिर, हां शी इज टेकिंग अ पिक्चर एट शिव मंदिर। यस यस और यस हम लोग सबको मिले, कौन सा आसन कर रहा है एक्चुअली उनको पहले ले लेने दो पहले, और मेरे को इतना अच्छा लगा पहली बार कोई इतनी शिवलिंग दिखा रहा है कि अच्छी तो सेल्फी ले रहा है, फोटो बॉम्बिंग करना चालू कर देते हैं, हो गया आ जाओ जाओ, और मैं शांति से बैठी थी मैं उसी टाइम पे बैठी थी और उस टाइम इतना क्राउड था लगी आई और बोली कि हाँ ठीक है, पर लोगों ने कहा मैंने फिर उसको ऑफर लगाई जब मैं तुम्हारा खींच लगी, शी वाज सो स्वीट कि नहीं 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 चुके, आई थिंक यू आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग यू आल्सो टाइम हां चल चलो ठीक है स्टेज तो गाइस दिस इज टी कॉफी सॉरी दिस इज कॉफी कॉफी फॉर न्यू ईयर फॉर न्यू गाइस न्यू फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 6 स्टेट और 2 UT अराउंड हमने ट्रैवल किया है इस गाड़ी से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ट्रैवल किया है 5,749 किलोमीटर और आज है 14th डे को हम पहुँचे हैं मेरे घर पे और अभी सफ़र जारी ही है। हरीश अभी यहाँ से निकलेंगे अपने हेलमेट को साफ़ करते हुए, पीछे आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही सेफली गए, सेफली आ गए, कुछ इशू नहीं हुआ, अच्छे से घूमे और काफ़ी घूमे, नए दोस्तों से मिले, नए दोस्त बनाए और बहुत मज़ा किया। तो टोटल मतलब एज़ पर स्केड्यूल जो प्लान था स्केड्यूल में पूरा हुआ, कोई डिले नहीं, कोई लेट नहीं, सब कुछ स्केड्यूल में हुआ, जो चीज़ें डिले हुई वो हमने कैचअप भी किया और जैसे प्लान्स थे वैसे प्लान्स भी गए, और कुछ हमें नए मतलब प्लेसेस जो ऐड करने थे हमने वो भी देखे, जो प्लान थे वो भी किए, एक दो प्लेसेस स्किप भी किए, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया। और हम हरीश को बाय बोलेंगे, अभी हरीश की यात्रा जारी है, हरीश को पहुंचना है मोरबी, क्योंकि हरीश में ही रहते हैं, तो अभी यहाँ से मोरबी अराउंड 200 किलोमीटर है तो उनको और जाना है और शाम हो गई है तो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं और हरीश को बाय बोलेंगे। बाय हरीश, ओके हरीश बाय।